नमस्कार, आप देख रहे हैं जोहार छत्तीसगढ़। आपके साथ मैं हूं अंशु। वक्त हो चला है इस वक्त की बड़ी खबरों का। धरम जयगढ़ नगर में आज के दिन राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह के तहत यातायात जागरूकता अभियान की शुरुआत की गई। कार्यक्रम की शुरुआत बाइक रैली निकालकर की गई। बता दें कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा माह जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत आम जन एवं वाहन चालकों को जागरूक किया जा रहा है। बाइक रैली, पैम्पलेट तथा हेलमेट पहनकर धरम जयगढ़ पुलिस ने सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया। इस दौरान धरम जयगढ़ थाना का पुलिस स्टाफ ने हेलमेट पहनकर बाइक रैली निकाली और पूरे नगर में यह काफिला भ्रमण किया। बाइक रैली धरम जयगढ़ थाने से निकलकर बस स्टैंड होते हुए नीचे पारा के जय स्तंभ चौक पहुंची, उसके बाद रायगढ़ रोड होते हुए वापस थाने पहुंची। कार्यक्रम के बारे में बताएंगे? राष्ट्रीय सड़क यातायात माह मनाया जा रहा है, जिसके तहत हमारे पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में धरम जयगढ़ में आज हेलमेट बाइक रैली निकाला गया है। अधिक से अधिक लोगों को यातायात नियमों का पालन करने के लिए जागरूक करना है। लगातार बढ़ रहे सड़क दुर्घटना को रोकने के लिए और लोगों को जागरूक करना है, ताकि सड़क दुर्घटना कमी ला सके। लोगों से अपील की जा रही है कि बिना हेलमेट गाड़ी ना चलाए, गाड़ी चलाते वक्त मोबाइल का उपयोग ना करें, शराब पीकर गाड़ी ना चलाए और तीन सवारी गाड़ी ना चलाए, ओवर स्पीड गाड़ी ना चलाए। ये आम लोग जनता से अपील करते हुए उनसे यातायात नियमों का पालन करने के लिए अपील की जाती है। सड़क दुर्घटना से बचने के लिए लोगों को जागरूक करने धरम जयगढ़ थाना प्रभारी अंजना केरकट्टा ने आम नागरिकों से बिना हेलमेट के गाड़ी न चलाने, शराब पीकर वाहन न चलाने, वाहन चलाने के दौरान मोबाइल फोन का उपयोग न करने की अपील की है। इसके साथ ही कहा कि अधिक से अधिक लोगों को यातायात के नियमों की जानकारी दी जा रही है, ताकि लोग यातायात के नियमों का पालन कर सकें तथा सड़क दुर्घटनाओं से बच सकें। वाहन चलाते समय आवश्यक दस्तावेज साथ लेकर चलने के अलावा और भी कई जानकारियां आमजन को दी, ताकि सड़क दुर्घटना से बचा जा सके। धरम जयगढ़ से गुरुचरण सिंह राजपूत की रिपोर्ट। फिलहाल की बड़ी खबरों में बस इतना ही। बाकी की छोटी बड़ी खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए जोहार छत्तीसगढ़। नमस्कार।